नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बारे में कितना जानते हैं आप? क्या आप जानते हैं कि भारत के नक्शे पर त्रिपुरा कहाँ है? अगर नहीं तो चलिए आपको त्रिपुरा लेकर चलते हैं। यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जिसकी टीम भी इस चुनाव को कवर करने ग्राउंड पर आ गई है। हमने भाजपा, लेफ्ट और त्रिपुरा के राज परिवार से नई पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने वाले प्रद्युत किशोर देव बर्मन की टिपरा मोथा की रैली को कवर किया है, जिसमें हमने आम जनता और साथ ही रैली में आने वाले कार्यकर्ताओं से बात की है, जहां सबने अपनी अलग अलग समस्याएं और मांगों को रखा है। सुमन, क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं, अभी बेकार हूँ। बेकार क्यों है आप? पढ़ाई कंप्लीट किया तो अभी तो कोई नौकरी नहीं मिला। मैं तो अभी बेकार ही हूँ। मोदी सरकार में बेकार कैसे? मोदी सरकार में बेकार तो है, इसलिए जब काम करो तभी तो पैसा आएगा। मैं खुद ही बेकार हूँ, इसलिए मेरे को जरूरत नहीं आ रहा है अभी कभी काम करने के लिए, इसलिए बेकार हूँ। मतलब आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि आप कुछ करें, बेकार क्यों रहे? मेरा तो दुकान है ना, सूखा मचे की दुकान, बेकरी करता हूँ। तो रोजगार है आपके पास? फिर भी बेकार है, रोजगार भी है फिर भी बेकार है। मोदी जी से के काम से खुश है त्रिपुरा में जो भाजपा? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ जो बार बार मोदी जी आए। अमरपुर की क्या समस्याएं हैं? अभी तक तो कुछ नहीं समस्या है, जो 25 साल बाद पहले थी। अच्छा। अभी तक तो सब कुछ समाधान हो गया हमारा। जो CPM की गवर्नमेंट में था वही सब चीज़ भाजपा में भी है? CPM का तो अलग है, भाजपा का अलग है रूल्स। CPM का तो 25 साल पहले जो काम किया और भाजपा अभी जो 5 साल में काम कर रही है वो CPM के 25 साल से अलग है। भाजपा ने इम्प्लॉयमेंट वगैरह कुछ दिया? हाँ, हुआ। कितना? बहुत सारा दिया। हाँ। समस्याएं क्या हैं? समस्या कोई नहीं है। समस्या कोई नहीं है? कोई नहीं है, अच्छा है। अच्छा है, हाँ। क्या क्या अच्छा है? सरकारी जो सहायता मिलना था सभी मिल गया। तो अभी क्या क्या मिल रहा है? पानी, घर, रास्ता घाट, शौचालय, सब कुछ। तो वो भाषण में है कि मतलब सही में मिल गया? सही मिल गया है। आप इस बार चुनाव में वोट किस मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं? BJP। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा बोलता है मतलब किस लिए BJP को वोट? BJP अच्छा काम करता है। महंगाई तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा ही हुआ है। तो महंगाई तो सबकी जानकारी में है कितना हुआ है, तो आपको लोग। अरे आप बता दीजिए ना, मैं बात तो आपको उतना भी पता है, आपके घर में भी माँ बहन है उनको भी पता है। इस बार जो यहाँ पे चुनाव हो रहा है वो क्या मोदी जी के चेहरे पे हो रहा है? मोदी जी का चेहरा नंबर 1 है और त्रिपुरा का जितना भी सुशासन जो अभी चल रहा है उसका 2nd नंबर है। और दुशासन का सपना अभी कोई नहीं बोला अभी तक, जो दुशासन कम्युनिस्ट ने किया, कांग्रेस ने किया, कभी जनता नहीं बोला, इसलिए और भी ताकत से सरकार आएगा। मोदी जी के ही चेहरे पे चुनाव? मोदी जी का चेहरा मुड़े है तो मुमकिन है, सारा त्रिपुरा नहीं, सारा वर्ल्ड में है। यहाँ पे रोजगार है? रोजगार है, यहाँ रोजगार है। 3 महीने में 2000 पा दिया, मैंने पूरा 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 साल में 6000 हो गया। सड़क भी ज्यादा खराब है। अच्छा। ज्यादा खराब है। भाजपा की रैली में नेताओं को सुनने आए लोगों के लिए तो सब चंगा सी, लेकिन क्या सच में सब कुछ चंगा सी? चलिए और लोगों से जानते हैं। प्रत्येक विधानसभा में झूठे जो प्रार्थी रहे मातार बाड़ीते আমাদের কংগ্রেস দলের প্রার্থী সে কংগ্রেস দলের প্রার্থী পক্ষে। क्या करते हैं आप? मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ। हाँ, एक ग्रेजुएशन हो चुका है मेरा, 2012 में हुआ है। फिर मैंने 2018 में BJP के जो उन लोग जो वादे किए थे, 299 का जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। अभी कोई जॉब नहीं मिल रहा है, हम लोग जैसे कि तैसे ही रह गए, कोई डेवलप भी नहीं हुआ है। खेती में पानी नहीं है, है उसके बाद वो सार नहीं मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है, उसको सार नहीं है जो खेती में डालता है सार। अच्छा, अच्छा। वो नहीं मिलता है खाद। हाँ, खाद नहीं मिलता है। मैं तो पहले माइनॉरिटी का मेंबर था BJP वालों का,
अच्छा, बीजेपी के माइनॉरिटी विंग के मेंबर थे? हाँ, मेरे को बहुत वादा दिया था लेकिन मेरा वादा भी नहीं पूरा किया। नौकरी देगा बोला था मेरे को, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है लेकिन फिर भी मेरे को ऐसे 4 साल मेरे को घुमाया, बोला देगा। क्या चीज़ के लिए? मैं एक फूड सिविल सप्लाई में नौकरी किया था लेकिन मेरे को निकल दिया। वो बीजेपी वालों ने बोला सब सरकार आएगा तब मेरे को दे देगा, लेकिन मैंने गया, जब बीजेपी छोड़ दिया कांग्रेस में घुस गया, वो बीजेपी वालों ने रात में आके मेरा फैमिली का हाथ तोड़ दिया, मेरा घर पूरा टूंड फूंड कर दिया। ये सरकार तो कुछ भी नहीं किया, इस सरकार को हम लोग बहुत टाइम दिया था, 5 साल टाइम दिया था इस सरकार को, इस सरकार कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डंडों से हम लोग का पिटाई किया है। इस सरकार जो नया सरकार आएगा उस सरकार से हम लोग का निवेदन है कि 10,323 शिक्षकों को आप लोग रीअपॉइंटमेंट करके उनका भविष्य को आप सुंदर और सुशील बनाए, क्योंकि देखिए मेरा अभी भी मेरा मस्तक मुंडन हुआ है, मेरा मम्मी जो है वो बिना चिकित्सा में विदाउट एनी हॉस्पिटलाइजेशन, मैं अपनी मम्मी को भी कुछ भी नहीं किया है चिकित्सा के बारे में, वो मर गई। नौकरियां नहीं हैं, टीचर्स की बहाली रुकी हुई है, सड़कें खराब हैं। सवाल है कि जो वादे भाजपा सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र में किए थे वो कितने पूरे हुए, इसे और अच्छे से जानने के लिए चलते हैं टिपरा मोथा की रैली में। दादी नो को मोरी थांग तुंग जिनी बुबागरानी इमां बुबागरा आयु लोक थंग आयु लोक थंग आयु लोक थंग बुबागरा आयु लोक थंग आयु लोक थंग। लास्ट लाइन जो बुबागरा लॉन्ग लिव है ना, वो दैट मीन्स लॉन्ग लिव आयु लोक थंग। जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वो एक साइड एक तरफ हमें काम किया, हमारे जनजाति के लिए कुछ भी नहीं किया। और ये भी आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ के वुमेन्स सेफ नहीं है, हम खतरे में है, फेस्टिवल फ्रीडम से हम एंजॉय नहीं कर सकते। यहाँ की जो आदिवासी समाज है ये काफ़ी सालों से वंचित शोषित हुए हैं, तो इसके कारण हमारे बुबागरा ने ये तय कर लिया कि इन लोगों को, यानी कि हमारी उनकी जो प्रजा है, यहाँ के जो आदिवासी लोग है, इनको जो संवैधानिक जो न्याय है वो दिलाना है। त्रिपुरा में डेवलपमेंट क्या देखती है? यहाँ पे डेवलपमेंट मतलब मैं कुछ इतना अच्छे स्कूल अच्छे अस्पताल हैं यहाँ पे, कुछ जगह नहीं है, कुछ जगह हैं पर ज़्यादातर नहीं है। ये भाजपा सरकार जो है वो बात ज़्यादा बोलता है और जुमलागिरी ज़्यादा करता है, क्योंकि ये जॉब देने की बात किया था त्रिपुरा में, सब लोगों को जॉब देने के लिए बात किया था तो, लेकिन जॉब तो नहीं मिला किसी को, रोजगार। अभी आपको मालूम है 10,323 जो एक टीचर है वो उसको भी सस्पेंड कर चुका है, वो उसको भी जॉब के लिए कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो एक जॉब करता था, गवर्नमेंट चाहते थे तो उसको भी जॉब दिला सकता था किसी थ्रू, लेकिन वो भी नहीं दिया। टैबलेट जो देने का बात किया था वो दूसरा टैबलेट आ गया, ये ड्रग्स वाला टैबलेट आ गया त्रिपुरा में बहुत ज्यादा मात्रा में। हैं त्रिपुरा में नशा बढ़ गया? हाँ, नशा बढ़ गया। ये जो युवा है जो है वो खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है त्रिपुरा में। केला हम कैसे है? केला की पेड़ की तरह है। ऐसा क्यों? जो बोलोगे वही होगा, वो दिल्ली से जो बोलता है वही करेगा, और क्या करेगा। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, त्रिपुरा के मूल निवासी आदिवासी समाज की वो मांग जो दशकों से चली आ रही है। आदिवासी लोगों का कहना है कि भारत की आज़ादी और त्रिपुरा के भारत में मर्ज होने के बाद से लेकर अब तक आदिवासी समाज की लगातार अनदेखी होती रही है। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान बंगाली लोगों की एक बड़ी संख्या ने त्रिपुरा में शरण ली। जनगणना 2011 के अनुसार बंगाली भाषा त्रिपुरा में 24.14 लाख लोगों की मातृभाषा है, जो यहाँ की 36.74 लाख आबादी में से 2/3 है। अलग राज्य की मांग इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि अलग राज्य आदिवासियों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करने में मदद करेगा, जो बंगाली समुदाय के लोगों के आ जाने से अब अल्पसंख्यक हो गए हैं। खैर,
हमने लोगों से उनकी समस्याएं और उनके डिमांड्स के बारे में जानने की कोशिश की और उनकी राय समझने की कोशिश की। सभी ने अपने अपने हिसाब से अपनी परेशानियों को हमसे साझा किया, लेकिन अब त्रिपुरा में त्रिकोणीय चुनाव चल रहे हैं और आने वाले समय में देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन इस चुनाव में जीतकर सरकार बनाता है और जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरता है।